Good morning, my dear students. I, Muhammad Masoom, welcome all of you to this video, the first video of Grade 11 Business Studies. आज के इस वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोग Grade 11 के Business Studies के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर, जो बिल्कुल पहला चैप्टर है, उस पर डिस्कशन करेंगे. So let us welcome all of you to this video, and without wasting the time. Let's come to the topic, right? As the chapter's name is Business Studies chapter ka naam hai, to whatever we will study, jo bhi hum log yahan pe padhenge, wo business ke bare mein hi hoga. Grade 11 mein, class 11 mein jo business studies ka syllabus hai, usme shuru mein aapko bataya jayega ki business hota kya hai, introduction bataya jayega. Ek aadmi ko business kyun karna chahiye, right? बिजनेस करने का पर्पस क्या होता है एंड हाउ अ पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस. बहुत सारे लोग जो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, तो उनको यह मोटिवेट करेगा बिजनेस करने के लिए. और दूसरी बात कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे हम अपनी कंपनी बना सकते हैं, बिजनेस का अलग अलग फॉर्म क्या होता है. अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वॉट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. बिजनेस को स्टार्ट करने का लीगल प्रोसेस क्या है, है ना. तो स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक का जो बिजनेस होता है, उसमें क्या क्या टेक्निकल चीजें आती हैं. सो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर. जो हमारा पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज. एज यू कैन सी, ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स जितने भी लोग हैं, हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज अपने लाइफ में करते हैं, उनको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं. सुबह से लेके रात सोने तक जितना भी काम हम लोग करते हैं, चाहे हम लोग जो है खाना खा रहे हो, या हम लोग नहाते हैं, या हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, गाना सुनते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, उन सारे एक्टिविटीज को दो पार्ट में बांट दिया गया है, है ना. आप देख सकते हैं जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स आर्थिक गतिविधियां. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी. कोई भी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के पर्पज से किया जाता है, पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. जैसे आपके पिताजी, आपके फादर कुछ ना कुछ करते होंगे, उनका कोई दुकान होगा, वो किसी ऑफिस में जॉब करते होंगे, वो हो सकता है लॉयर हो सकता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो. तो जो भी काम वो करते हैं पैसा कमाने के पर्पज से, अपने फैमिली को चलाने के पर्पज से, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है भाई, पैसा कमाना, राइट. पैसे कमाने के पर्पस से आप जो एक्टिविटीज कर लो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कितने टाइप की होती है, राइट. तो लीगली अगर आप बोलेंगे कि पैसा कमाने के लिए, तो कोई बैंक रॉबरी भी कर सकता है, कोई जो है किसी का एक्सटॉर्शन भी कर सकता है ना. तो क्या हम सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे? तो इसी चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है. अगेन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन टाइप के होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके, देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फर्स्ट सबसे पहला जो होता है वो है बिजनेस. बिजनेस सेकेंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट. तो तीन एक्टिविटीज है जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. इफ एनीबडी वांट्स टू अर्न मनी, अगर कोई भी आदमी पैसा कमाना चाहता है, तो वो इनमें से तीन काम करता है दुनिया में. या तो वो बिजनेस करेगा, दुकान खोल ले, बड़ी कंपनी खोल ले, कुछ भी, इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे. या तो वो बिजनेस करे, या तो वो किसी प्रोफेशन में आ जाए. प्रोफेशन किसको कहते हैं, जो कोई खास पढ़ाई करता हो, स्पेशल एजुकेशन लेकर के किसी प्रैक्टिस को करना शुरू करे. जैसे कोई डॉक्टर है ना, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आर्किटेक्ट है. तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उनकी भी कुछ क्वालिटीज होती है, जो आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग बात करेंगे, है ना. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशन दूसरा तरीका है पैसा कमाने का, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट.
एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया दैट यू आर डूइंग सम जॉब, आप कहीं पे सर्विस करते हैं, आप किसी बैंक में नौकरी कर ले, आप किसी स्कूल में टीचर बन जाए, आप किसी जो है किसी हॉस्पिटल में जो है आप मेडिकल या नॉन मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप कहीं पे सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो भाई अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप बिजनेस बिजनेस करेंगे तो बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस करने का पर्पस क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में हम लोग क्या कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट, है ना, बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। एनीबडी स्टार्ट्स अ बिजनेस, द होल पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के पर्पस ही वो बिजनेस करते हैं। अगर हम प्रोफेशनल बनते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोगों को मिलता है फी, है ना। किसी आर्किटेक्ट के पास चले जाइए, किसी इंजीनियर के पास जाइए, घर का नक्शा बनवाइए, तो वो अपने काम के लिए कंसल्टेशन फी लेते हैं, है ना। तो प्रोफेशनल्स जो है अपने काम के लिए क्या लेते हैं, फी लेते हैं, करेक्ट। तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी, रोजगार। जब आप रोजगार में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, तो आप क्यों करते हैं नौकरी कहीं पे, बिकॉज यू वॉन्ट सैलरी। हर आदमी सैलरी, पहला ऑब्जेक्टिव जो जॉब का होता है वो होता है सैलरी। अगर आप कहेंगे कि आपका जॉब लग गया है, या आप कहेंगे कि आपके बड़े भैया जो है ICICI बैंक में जॉब करते हैं, तो पहला क्वेश्चन कोई दूसरा बंदा पूछेगा, व्हाट इज हिज सैलरी, सैलरी क्या। तो विल एनीबडी वर्क विदाउट सैलरी, कोई भी बिना सैलरी के काम नहीं करता है, राइट। तो सैलरी जो है वो हमारा कंसिडरेशन है, रिटर्न है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो इन तीनों केस में हम लोग देखते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो फी हो, चाहे वो सैलरी हो, तीनों तो पैसे का ही रूप है ना। तो आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी आप पैसा कमाने के पर्पज से करते हैं। सो एनी एक्टिविटी विच इज डन बाय अ पर्सन टू अर्न मनी, कोई भी एक्टिविटी जब कोई व्यक्ति पैसा कमाने के उद्देश्य से करता है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप का हो गया, तीन टाइप का, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इज इट ओके, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो आपको समझ में आ गया कि जो वीडियो का ये पार्ट था इसमें मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया है। अब वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग कुछ डिस्कशन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।